नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार और स्वागत करता हूं मैं के गणेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम प्री वेडिंग में जो भी आप फोटो एडिट्स देखते हैं, कभी कभी साड़ियां काफ़ी बड़ी बड़ी देखते हैं आप, जो हवा में तरंग लहरा रही है, या फिर उसे फ्लाइंग फैब्रिक्स भी हम लोग कहते हैं। ये बहुत आसान तरीका है एडोब फोटोशॉप में इस तरह के फ्लाइंग फैब्रिक्स को ऐड करने के लिए। हमें बहुत सारे फैब्रिक्स अवेलेबल है जिसे फैब्रिक ओवरलेस बोलते हैं। मैं यहाँ पर आपको फैब्रिक ओवरलेस दिखाता हूँ, जहाँ आपको जो भी फैब्रिक्स पसंद आता है और उसको जो भी मैच होता है, उस तरह के फैब्रिक्स आप इस फोटोज़ में ऐड करेंगे। आज आपको मैं बहुत आसान तरीके से दिखाऊंगा कि कोई भी फ्लाइंग फैब्रिक्स को किस तरह से फ़ोटोज़ में ऐड किया जाता है और वो नेचुरल लगे और उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहना चाहिए और वो कलर बिल्कुल भी परफेक्टली मैच होना चाहिए जो भी साड़ी पहनी है उनके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी फोटो में आप कोई भी फ्लाइंग फैब्रिक्स कैसे ऐड करते हैं और उसका कलर कैसा मैच करते हैं। सबसे पहले जहां पर भी मेरे फ्लाइंग फैब्रिक्स मैंने सेव करके रखे हैं, वो फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूं और इसमें से मुझे ये चेक करना है कि मेरा फोटो किस तरह से है और जो भी फैब्रिक्स मैं सेलेक्ट करूंगा वो नेचुरल लगे। आप इसमें से आपको जो भी सूट हो उस तरह का फैब्रिक आपको लेना है, ना कि पहले आपको सोच लेना है कि कौन सा फैब्रिक किस एंगल से मुझे देना है और किस टाइप का वो सूट होगा, सबसे पहले ही सोचना है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो एक एक ऐड करते हैं और उसको चेक करते हैं, ये सूट हो रहा है क्या, ये सूट हो रहा है क्या। ऐसा नहीं करना चाहिए एक्चुअली। डॉक्टर हमेशा, अगर किडनी चेंज करना है तो सबसे पहले जिस व्यक्ति का किडनी चेंज करना है उसका वो स्टडी करता है और जिसका किडनी निकालना है उसका किडनी चेक करता है। ऐसा नहीं करता है डॉक्टर कि इसका किडनी लगा, एक बार लगा के देखा, उन्हें नहीं वो बड़ा हो रहा है, फिर से निकाल दिया और उसको फिर से लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। तो एक एडिटर की जिम्मेदारी ये होती है कि आप अपने ख्याली दिमाग में आप पहले से सोचिए कि अगर कौन सा फैब्रिक है जो मैं इसको सूट करूँ। जैसे अगर मैं देखता हूँ तो ये फैब्रिक सूट नहीं होने वाला है, मैं ये भी फैब्रिक देखता हूँ तो सूट नहीं होने वाला है, तो मुझे कुछ ऐसा फैब्रिक लेना पड़ेगा जो इस फोटो को परफेक्टली सूट हो। अगर आप देखेंगे कि मुझे मेरी सोच ऐसी है कि अगर मैं पल्लू यहाँ से है तो मैं इस तरह से वो पल्लू लहराए हवा में, तो अगर इस तरह का फैब्रिक मेरे पास अवेलेबल है तो मैं उसमें से सर्च करूँगा और उसी में से एक कोई भी एक फैब्रिक को सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल, मुझे ये फैब्रिक लगता है कि इसमें सूट हो जाएगा और मैं इसको इसीलिए यहाँ से ओपन किया और मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया, रख दिया। तो एक क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में लिया है मैंने, अब इसका जो साड़ी का कलर है वो येल्लो है और ये जो फैब्रिक है ये बिल्कुल भी रेड कलर का है, तो मैं इस एंगल में इस तरह से रखना चाहता हूँ, राइट। अब आप देखेंगे कि ये साड़ी का पल्लू इस तरह से हवा में उड़ रहा है, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ पर रखा। अब इसके जो एजेस है ये बहुत ज़्यादा शार्प है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसमें फेदर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करता हूँ और सिलेक्शन में जाता हूँ, मॉडिफाई में थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मॉडिफाई और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मेरा जो भी सिलेक्शन है वो 10 पिक्सल से मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। अब आप देखेंगे जो भी सिलेक्शन है ये 10 पिक्सल से अंदर आ गया है। अब मैं इसको मास्क दे देता हूँ। अब ये जो भी शार्पनेस है इसको अगर मुझे कम करना है तो मैं फेदर दूंगा प्रॉपर्टी में जाके इसकी, और यहाँ पर फेदर है तो मैं यहाँ से फेदर को थोड़ा सा ऐड करूँगा। तब आप देखेंगे थोड़ा जितना भी एजेस है ये स्मूथ हो गया है, पहले वो इस तरह से शार्प दिख रहा था, अब वो फेदर मैंने दिया है तो इस तरह से वो थोड़ा स्मूथ हो गया। ओके, इसके बाद मुझे क्या करना है कि जो पोर्शन सामने आया है उसे बिल्कुल भी पीछे करना है, राइट। तो सबसे पहले कुछ सिलेक्शन करने की ज़रूरत है इसमें, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और इस लेयर को ऑफ करता हूँ टेम्परेरीली और क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से मैं सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं फिर से इस पे आया और जितना भी सिलेक्टेड पार्ट है मुझे छुपा देना है, तो इसलिए मैं इसे कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूँगा और वो ब्लैक मास्क ऐड हो जाएगा उसमें,
अब आप देखेंगे कि उतना पोर्शन छुप गया है, छुप गया मतलब उसके पीछे चला गया ऐसा दिखाई दे रहा है। अब मुझे क्या करना है कि सिर्फ इसके अंदर जो रेड कलर है उसे येलो कलर से मैच करना है। मुझे क्या करना है कि अब इसका कलर चेंज करना है, राइट। तो मैं इफेक्ट्स में जाऊंगा और मैं कलर ओवरले को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने कलर ओवरले सेलेक्ट किया, यहाँ पर ऑलरेडी ब्लू कलर इसके पहले ही सेलेक्ट था, तो मुझे इस पे क्लिक करना है और कलर पिकर की मदद से जो भी साड़ी का कलर है उसे सेलेक्ट कर लेना। अब देखेंगे आप यहाँ पर येलो कलर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब क्योंकि ये सॉलिड कलर है और इस मुझे ट्रांसपेरेंट करना है, इसलिए मैं ब्लेंडिंग मोड इसका नॉर्मल से चेंज करूंगा और कलर पे रखूंगा। डन। तो क्योंकि ब्लू और रेड इसमें ऐड हो गए और वो कलर कुछ अलग दिखाई दे रहा है, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि ह्यू एंड सेचुरेशन की मदद से इसमें ह्यू मोड पे जाके आप इसमें कलर में वेरिएशन देखेंगे और येलो को ऐड करेंगे। उसके पहले मैं क्लिपिंग मास्क ऐड कर देता हूं ताकि नेक्स्ट लेयर पे ये काम करे। ये प्रॉपर येलो हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा सैचुरेट करता हूं और इसे मैं थोड़ा सा लाइट करता हूं। अब आप देखेंगे कि साड़ी से लगभग कलर मैच हो चुका है और बिल्कुल भी नेचुरल लग रहा है। तो बहुत आसान है, आप कोई भी फ्लाइंग फैब्रिक्स को ऐड कर सकते हैं किसी भी फोटोज में और उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इतने छोटे छोटे ट्रिक्स के द्वारा हम फोटो को भी बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। प्री वेडिंग में बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फोटोग्राफर्स बहुत अच्छा शूट करते हैं और उसी शूट को थोड़ा सा इन्हांस करके हम उसे और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। इसी तरह के और भी खूबसूरत वीडियोज़ मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके अगर आपको पसंद आता है तो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जल्दी मिलेंगे हम लोग।